नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्या। कल शाम को एक बच्चे का फोन आया, बिलख कर रो रहा था और कहता है कि सर, कैट के मॉक पेपर मैं लिख रहा हूं लेकिन मेरा स्कोर नीचे जा रहा है। मेरे साथ वाले जो मेरे दोस्त हैं हॉस्टल के, मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरे घर वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं और मैं इंप्रूव नहीं कर पा रहा हूं और मैं सोचता हूं कि अब कैट की तैयारी ना करूं। मैं क्या करूं? अगर कैट की तैयारी ना करूं तो क्या करूं? 2 साल से तैयारी कर रहा हूं, बहुत ही परेशान हो चुका हूं। देखिए, मेरा उन सभी बच्चों के लिए एक मैसेज है जो कैट की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंक, PSSC, क्लैट, जितने भी IPM, जितने भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए एक मैसेज है। दूसरे क्या कहते हैं या दूसरे के शब्द क्या है, इस पे तुम्हारी सफलता नहीं टिकी है, तुम्हारी हैसियत उनके शब्दों पे नहीं टिकी है। तो पहली बात तो ये, दूसरे क्या कहते हैं इसको सुनना बंद करिए। आप जब तक दूसरे क्या कहते हैं आपके बारे में सुनते रहेंगे, तब तक जीवन में आप जहां हैं वहीं रहेंगे और यही सोचते रहेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो ये सोचना बंद करिए कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। दूसरे कभी आपके बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकते। इस दुनिया में बेटा सभी लोग अपने आप से ही ग्रसित हैं, वो दूसरों की अच्छाई देखने में यकीन ही नहीं रखते, इनफैक्ट उनकी आंखें बंद हो चुकी हैं। तो आप कितने अच्छे हो, आप में अच्छाइयां क्या है, ये लोग नहीं देखते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ ये देखिए कि आप क्या काम कर रहे हैं। अगर आप पूरी ईमानदारी से अपनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको सफलता छूने से कोई रोक नहीं सकता है। चंद्रशेखर आजाद ने बहुत पहले ये बात बोली थी कि सक्सेस इज द फाइट बिटवीन यू एंड योरसेल्फ। आप खुद से जब तक लड़ाई लड़ते रहोगे और अपने आप को बेहतरीन बनाने की जब तक प्रयास करते रहोगे, तब तक दूसरे क्या बोलते हैं इस पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट आपको समय ही नहीं मिलेगा ये सुनने के लिए कि दूसरे क्या बोल रहे हैं। अच्छा, तीसरी बात ये है कि सफलता किसी की बपौती तो है नहीं। देखिए, कोई मेहनत किया, कोई सफल हो गया और जीवन में वही सफल बना रहेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। आप मेहनत करोगे, आप उससे भी ज्यादा सफल बन सकते हो। हाँ, हार नहीं मानना, ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि आपके आसपास जो है अगर आपसे कम काम करने वाले लोग हैं और जब आप काम ज्यादा करोगे तो आपसे जलेंगे और जलेंगे तो आपकी निंदा करेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो एक बात याद रखना, जब भी आपकी कोई बुराई करे, जब भी आपकी कोई हंसी उड़ाए, तो समझ लेना कि भैया वो डिप्रेस्ड है। और अगर डिप्रेस्ड है तो अपने आप से बोलना, भगवान माफ करो, ये डिप्रेस्ड है, इसको 2 लोगों तक पहुंचाओ, या तो इसको भगवान तक पहुंचा दो या फिर इसको कहीं ना कहीं डॉक्टर तक पहुंचा दो, उसके डिप्रेशन का इलाज उसको बहुत जरूरी है। ठीक है, समाज में बहुत लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, हर आदमी नशे में है आजकल, कोई दारू के नशे में है, कोई मद के नशे में है, कोई पैसे के नशे में है, कोई घमंड के नशे में है, कोई आपको नीचा देखता है, कोई आपको ओछा देखता है, कोई आपका मजाक उड़ाने के नशे में है। उस नशे से दूर रहिए, आपको सिर्फ एक नशा होना चाहिए, वो है अपना काम। अपना काम पूरे दम से करते रहिए, मुझे लगता है कि कोई आपको पीछे छोड़ पाएगा। तीसरी बात कि चौथी बात कि कैट के में परफॉर्म, कैट, क्लैट, बैंक, PSSC में परफॉर्म कैसे करें। पहली बात तो डेली मॉक पेपर करने वाला जो चक्कर है उसको छोड़ दीजिए। बच्चा कहता है कि सर मैं डेली मॉक पेपर लिखता हूं फिर भी इंप्रूवमेंट नहीं है। अरे किसने बता दिया कि डेली मॉक पेपर करने से तुम इंप्रूव कर जाओगे? डेली मॉक पेपर नहीं लिखते बेटा, सप्ताह में एक दिन मॉक पेपर लिखिए और बाकी 6 दिन उसकी एनालिसिस करिए। एलजेब्रा में कम मार्क्स आया तो क्यों आया, 6 दिन उसको मेहनत करिए और उसको इंप्रूव करिए। 5 दिन आया ज्योमेट्री पढ़ा आपने, ज्योमेट्री में मार्क्स कम आया तो आप उसको पढ़िए और इसको इंप्रूव करिए। जब तक आप उसको पढ़ेंगे नहीं तब तक इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। मॉक पेपर लिखने से इंप्रूवमेंट करता ही नहीं आता है। सो मेक श्योर दैट वी आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन द एनालिसिस। मॉक पेपर इज वन पार्ट, एनालिसिस ऑफ द पेपर इज अनदर पार्ट। ठीक है, तो डेली मॉक पेपर लिखेंगे तो इंप्रूव करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। एक मॉक पेपर लिखिए और फिर 6 दिन उस पर एनालिसिस पे मेहनत करिए, उसको इंप्रूव करने का प्रयास करिए। ठीक है, वर्बल एबिलिटी में कैसे इंप्रूव करें, बहुत ही सिंपल है। कोई भी आर्टिकल पढ़िए और उसको पहले लिखिए, आर्टिकल पढ़िए और उसको लिखिए, खूब ढेर सारा पढ़िए, उसको छोटे में लिखिए और फिर देखिए कि आपने जो लिखा उसमें और आपने जो पढ़ा था उसमें कितना सिंक है। अगर आइडिया मिसिंग है तो अगली बार आपको समझ में आएगा कि कहां पे कौन सा आइडिया मिसिंग था। कई सारे फायदे होंगे, पहला आपकी लेखनी अच्छी हो जाएगी, दूसरा आपकी पढ़नी अच्छी हो जाएगी, पढ़ाई अच्छी होगी, लेखनी अच्छी होगी, लिखावट अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ऐसे राइटिंग तो हर एग्जाम में देखिए लिखना ही है लगभग। और तीसरा आपका रिग्रेशन खत्म हो जाएगा। रिग्रेशन क्या होता है, जब आप पढ़ते हैं तो आधा पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपका दिमाग ब्लैंक हो जाता है, तो जब वो ब्लैंक हो जाता है उसको रोकिए और उस पर फिर मेहनत करने का, उस पर जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे जब ये कंटिन्यूअस करेंगे 10 दिन तक, तो आपको 11 दिन खुद ही इंप्रूवमेंट आएगा, रिग्रेशन खत्म आ जाएगा और जब आप पढ़ेंगे तो पूरा आइडिया आप कंटेन कर पाएंगे। दोस्त, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। LRDI की जहां तक बात है,
LRDI में दुनिया में कोई टीचर आपको LRDI नहीं पढ़ा सकता, आपको सिर्फ और सिर्फ खुद से सॉल्व करना होगा, कुछ नहीं करना है। डेली चार सेट्स कैट लेवल के आपको लगाने हैं, किसके, LR के सेट्स और चार DI के सेट्स। सुबह चार LR के लगाइए, शाम को चार DI के लगाइए। इंग्लिश में सुबह एक दो आर्टिकल पढ़िए उसको लिखिए, शाम को दो तीन आर्टिकल पढ़िए और उसको लिखिए, और मैथ्स में जो भी मॉक पेपर देखते हैं एक एक चैप्टर उठाइए और उसको कवर करते चलिए। इतना करके देखिए 10 दिन में आप देखेंगे आप में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा, कम से कम 20-25% का आपका जंप आ जाएगा। तीसरी बात, हम लोग फंडामेकर सेक्टर क्यू चौराहे पे हैं, और आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हो या फिर कहीं कोचिंग करते हो ना करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हमारे पास कभी भी आ सकते हैं। हम दीपक वाजपेयी, अनुराग शुक्ला, हम लोग जो टीचर्स हैं हमेशा आपकी डाउट सॉल्विंग के लिए बहुत ही ज्यादा खुश रहेंगे। अगर आपके मॉक पेपर में, आप यहाँ के स्टूडेंट नहीं भी हैं और फिर भी आपके मॉक पेपर या फिर आपके रियल कैट स्कोर में हमारी वजह से 5% या 10% का भी इंप्रूवमेंट आ जाता है, तो हमारा यह जगह पे बैठना सार्थक हो जाता है। दोस्तों आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम है, आप हमसे कंसल्ट करिए और बेहिचक पूरी जो हमारे पास गाइडेंस है वो आप ले सकते हैं। अपने आप को कभी छोटा मत समझिए, आप मेहनत करते रहिए, और गुड बेटर बेस्ट, नेवर रेस्ट टिल यू गुड इज बेटर एंड योर बेटर इज बेस्ट। आप लगातार मेहनत करते रहिए, दूसरे आपके बारे में क्या कहते हैं सोचेंगे भी नहीं इसके बारे में, सिर्फ आप कल क्या थे और आज क्या हैं इस पे फोकस करिए, दैट्स इट। दूसरों को सुनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, चाहे वो आपके भाई बहन हो, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे कोई भी हो आपका जो मजाक उड़ा रहे हैं, आप बिल्कुल उसको सुनिए नहीं। अच्छा, ये जो मैसेज है मेरा, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए। आपका छोटा भाई, आपका बड़ा भाई, आपके दोस्त मित्र, जो भी तैयारी कर रहा है उसको यहां तक, उस तक पहुंचाने का मैसेज शुरू प्रयास करिए। मुझे लगता है कि अगर इस वीडियो मैसेज से एक आदमी को भी मदद मिलती है तो मेरा जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, मे यू हैव अ वंडरफुल वंडरफुल लाइफ अहेड। फेसबुक पे, यूट्यूब पे फंडामेकर्स को फॉलो करिए। मे यू हैव अ वंडरफुल वंडरफुल लाइफ अहेड। बाय, टेक केयर, थैंक यू।